आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल, गिव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहला दिया है आपका रूट फोर। रूट फोर एक्स इज इक्वल टू रूट फोर, एक्स इज इक्वल टू रूट फोर। अब रूट फोर के फोर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? टू एंड, तो ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू रूट टू इंटू टू। ठीक है, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू टू। तो टू क्या है हमारा, इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है थ्री रूट एट। तो x इज इक्वल टू थ्री रूट एट। एट के फैक्टर्स क्या होते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, तो दैट इज इक्वल टू थ्री रूट टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब इसे स्क्वायर रूट है तो पेयर बनाएंगे, तो पेयर इज टू, एक फिर भी बच गया हमारे पास में, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा थ्री इंटू टू रूट टू, दैट इज इक्वल टू सिक्स रूट टू। रूट टू हमारा क्या है, इट्स अ इरेशनल। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपका है 1.44, रूट ऑफ 1.44, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.44। पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 100। तो पॉइंट हम हटा देते हैं, नीचे हमारा 100 आ जाएगा, वो भी स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू ऊपर 144, यानी क्या हुआ 12, 3 इंटू 4, तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया, और नीचे क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब पेयर बनाएंगे हम, तो जब हम पेयर बनाएंगे तो देखेंगे जो पेयर में होगा वो बाहर आएगा, दैट इज 3 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 बाहर आ गया, 2 2 फिर एक 2 बाहर आ गया, फिर 2 2 फिर एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 2 2 एक पेयर है, तो 2 लिख दिया हमने, और 5 5 एक पेयर है, एक बार 5 लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 4 इज 12 बाई 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, तो हमारा इन डेसिमल्स अगर हमने बोल रहे हैं कि 12 बाई 10 इज रैशनल नंबर, इट्स अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो डेसिमल्स में क्या होगा, डेसिमल्स में 1.2। ठीक, नेक्स्ट आपका है रूट 9/27। तो 9/27 हमारा कैसे आता है देखते हैं हम, ये आपका आएगा x इज इक्वल टू रूट 9/27। ठीक है, तो यहां पर इसके क्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स 9 के 3 इंटू 3, और 27 के क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू ऊपर दोनों पेयर में है तो 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या है, दो पेयर में है एक पेयर में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है,
थ्री एंड थ्री कट गया, आपका वैल्यू बचा एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। अब हमको पता है कि रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इट्स अ इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट रूट 64, तो क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू रूट 64। 64 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हम करके देखते हैं, 2 इंटू क्या बचा 32, फिर 2 से किया, फिर क्या बचा 16, फिर 2 से किया क्या बचा 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आया, ये एक हो गया हमारा पेयर, सेकेंड पेयर इज दिस वन एंड थर्ड पेयर इज दिस वन, तो आ गया 2 into 2 into 2, 2 2 2, दैट इज इक्वल टू 8। 8 हमारा क्या होता है, इट्स अ रैशनल नंबर, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट रूट 100, तो ये हुआ हमारा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 into 2 into 4, हो गया 4 into 25, यानी 5 into 5, तो पेयर में क्या क्या है हमारे पास, 2 भी है और 5 है, 2 into 5, दैट इज इक्वल टू 10, तो 10 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, आपको इस टाइप से करना है।